तारीखों का ऐलान भी पिछले दिनों चुनाव आयोग ने कर दिया था और अब सभी राज्यों में जो राज्यों की यूनिट्स हैं वो अब कमर कस चुकी हैं। हिमाचल में क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा को लेकर किस तरह की तिगड़म चल रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयराम ठाकुर सर आपका इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। अब तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है तो जाहिर सी बात है कि एक्टिवनेस आ गई होगी। हालांकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी प्रोएक्टिव रहती है और हमेशा कभी भी चुनाव में उतार लीजिए बीजेपी आपको हमेशा रेडी मिलेगी। अभी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए आप देख रहे हैं सारे देश भर में इस वक्त अगर चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से देखें भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से आगे है और बहुत सारी सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट्स अनाउंस हो चुके हैं। और जहां तक हिमाचल के संदर्भ में आप जानकारी ले रहे हैं तो हिमाचल में भी चार सीटों में से दो सीटों पर हमारी सीटों के कैंडिडेट की डिक्लेरेशन हो चुकी है और बहुत जल्दी दो सीटों पर भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाने वाली है सर। और संगठन की दृष्टि से और उसके साथ साथ में सारे कार्यक्रम जो हमारे लगातार चले हैं और पूरी तैयारी के साथ चले हैं और निश्चित रूप से जैसे ही तारीख के नजदीक क्योंकि हिमाचल सातवें फेज में है जी, अंतिम फेज में है जी, तो हमारे पास समय है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तैयारी पूरी है और पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। सर लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि मंडी सीट को लेकर क्या आपकी उम्मीदवारी होगी? मंडी सीट को लेकर क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप उम्मीदवार होंगे मंडी सीट से? देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा जी। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे नाम वहां पर हैं पहले से ही और जो दावेदारी भी किए हुए हैं और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम पार्टी के संगठन में और संगठन के साथ साथ भी एक दायित्व पर पहले से ही काम कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, लेकिन फिर भी हमारे बारे में जो भी निर्णय आज तक हुआ है वो पार्टी ने किया है। अंतिम निर्णय पार्टी का होगा, पार्टी जो आदेश करेगी वो करेंगे। क्योंकि मंडी सीट से बीच में कंगना रनौत का भी नाम चल रहा था कि शायद हो सकता है कि कंगना रनौत भी क्योंकि मंडी की रहने वाली है तो उनको भी शायद उम्मीदवार बनाया जा सके, ऐसी कुछ है चर्चा? निश्चित रूप से चर्चा है, चर्चा बहुत सारे लोगों को लेकर के रहती है। बहुत सारे पार्टी के हमारे मजबूत नेता वहां पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और कंगना जी का नाम भी उस पे है, उसमें दो राय थोड़ी है। सर क्या मंडी सीट का चुनाव टफ रहेगा बीजेपी के लिए किसी तरीके से, क्योंकि उपचुनाव में ये वो सीट थी जो कि चली गई थी? देखिए वो अलग तरह की परिस्थिति थी उपचुनाव का, जब वीरभद्र सिंह जी की दुखद मृत्यु हुई थी और उसके तुरंत ढाई तीन महीने के बाद वो चुनाव आया था और उस कारण से वहां पर क्योंकि वो उनकी रियासत का एक हिस्सा रहा है और उसके साथ साथ में दूसरा उस क्षेत्र से वो सांसद भी रहे हैं लंबे समय तक तो बड़ा कद था, तो स्वाभाविक रूप से एक इम्पैक्ट उसका रहा। और 7,000 वोट देने के 4,000 वोट का अंतर है कुल मिलाकर के उसमें, इसलिए सारी चीज को लेकर के अब की बार वो स्थिति नहीं रहने वाली। यही चीज हमने जनरल इलेक्शन में 4,05,000 वोटों से जीती हुई है, 2014 में जीती, 2019 में हमने 4,05,000 वोट से जीती है और बड़ा मार्जिन के साथ जीती है। तो अब की बार भी इस सीट को हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हिमाचल में चार लोकसभा की सीटें हैं और चारों सीटों पर भाजपा की जीत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है इस बार कि 400 पार। तो इस 400 पार में हिमाचल का योगदान 4 out of 4 रहेगा, ये आप कह रहे हैं? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हमने 14 में भी चार जीती है, 2019 में भी हमने चार जीती है और जब 2024 का लक्ष्य पूरे देश के लिए अब की बार एनडीए 400 पार एक नारा लगा है और जिस पूरे नारे को पूरे देश सुन रहा है, अनुभव कर रहा है और जिसमें पूरा देश सहयोग दे रहा है, उस पर निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारा नारा भी यही है अब की बार फिर चार की चार। सर लेकिन तब और अब में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, अभी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, क्या इस बात का कुछ इम्पैक्ट लोकसभा पर पड़ेगा क्या? नहीं मुझे नहीं लगता इससे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नाम की कोई चीज है और नैतिक अधिकार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का है ही नहीं, वो अपना बहुमत खो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश में अभी आपने जो हालात देखे हैं जी, कि 9 विधायक जो है वो जो कांग्रेस पार्टी के, जिसमें 6 और
तीन निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। छोटे से राज्य जहां पर 68 सीटें हैं वहां पर इतना बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुई है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता है। और अब की बार आपने बजट सत्र के दौरान देखा भी होगा कि बजट पारित करने की स्थिति में नहीं थी कांग्रेस की सरकार। बजट उस सूरत में पारित हुआ जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता सहित 15 भाजपा के विधायकों के सदन से निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, 100 कमांडो के साथ उनको सदन से उठा करके बाहर फेंका, तब जाकर के बजट पारित हुआ। अगर बजट पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती। अगर हमें सस्पेंड नहीं किया जाता तो सरकार गिर जाती। तो आज हम इस तरह ही कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का है नहीं, इस बात को हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। और सरकार नाम की चीज ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में, ये स्थिति है। जयराम जी, आप कांग्रेस की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक शुचिता पर सवाल उठाती है कि देखिए इनका काम ही तोड़फोड़ करने का है और अब आप देखिए हमारे विधायक जीत कराए, हम सरकार चला रहे हैं तो देखिए पार्टी में कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, चाहे वो लोभ हो, लालच हो या सरकारी एजेंसियों का डर हो, ये डर दिखाकर ये लोग विधायकों को तोड़ लेते हैं। देखिए इस बात को लेकर के कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि अगर ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में अगर बनी है तो उसके लिए दोषी कोई और नहीं है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व। जो विधायक विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर लगातार पिछले 14 महीने से बोल रहे हैं कि हमको जलील किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, हमारी बात ना सुनी जा रही है ना मानी जा रही है, और वो लोग ये सब कहते कहते 14 महीने बीत गए, अभी राज्यसभा का चुनाव आया और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने कांग्रेस के पोलिंग बूथ पर बैठे वो पोलिंग एजेंट जो है, जो ऑथराइज एजेंट था उनका, उनको अपना वोट दिखा करके कहा कि 14 महीने से बोल रहे हैं नहीं सुनी, अब हमारी ये सुन लीजिए। 14 महीने के बाद अपना वोट दिखा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन जी को वोट दिया और वो जीते। तो कौन है इसके लिए दोषी? कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्षा कह रही है कि हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जा ही नहीं सकता है, कार्यकर्ता नाराज है, उनका बेटा मंत्री है, उन्हें मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे रखा हुआ है, कैबिनेट में मंत्री रोते रोते बाहर निकल जाते हैं और बाकी दूसरा मंत्री जाकर के उनको वापिस बना करके लाते हैं। तो ये परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में है तो इसके लिए दोषी हमें क्या? ये सर ऑपरेशन, ये सर बार बार एक टर्म सामने आती है जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं, ऑपरेशन लोटस, कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, ये ऑपरेशन लोटस क्या है? नहीं, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस क्या सरकार का काम करने के तरीके से नाराजगी का एक माहौल खड़ा हुआ है और बार बार नेतृत्व के सामने अपनी बात कहने के बावजूद जब नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो अंतिम निर्णय फिर उन लोगों ने करना है। अगर निराश होकर के आप कल्पना करिए, छोटे से 15 महीने के कार्यकाल में ही इतने नाराज हो गए विधायक, 9 विधायक जो है अपनी सदस्यता खोने के बाद, यानी कि उन्हें यहां तक भी इस बात का भी परहेज नहीं कि इस जलालत में नहीं रह सकते, इसे बाहर निकलना चाहिए, आत्म सम्मान के साथ हमको जीना चाहिए, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको कब तक दबाएंगे, कब तक जलील करेंगे? इन सारी बातों का जवाब देने के लिए उनने अपने सदस्यता को समाप्त करने के लिए भी उसकी चिंता भी नहीं की, उन्होंने कदम उठाया, मजबूती के साथ उठाया। और लोकतंत्र में ये सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूँ कि सम्मान होना चाहिए, चुना हुआ प्रतिनिधि चुना हुआ प्रतिनिधि है। और ऐसे तो कांग्रेस और कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए ना सर, अभी तो 34 विधायक हैं उनके पास, अब टोटल नंबर में से तो घट गया, तो ऐसे तो अभी कंफर्ट पोजीशन में दिख रही है कांग्रेस फिलहाल। तो देखिए 34 विधायक हैं, हाँ, लेकिन उनको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वो 34 नहीं थे, वो 40 कांग्रेस के थे, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उनको, वो 43 थे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि परिस्थितियां अगर इस प्रकार की रहेगी तो क्या परिणाम होंगे, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जो बनी है ये मतलब आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ होने वाला है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हालात लगातार जो बने हुए हैं इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस के नेतृत्व को भुगतना पड़ेगा, इस बात को उनको मानना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद?
देखिए इसमें कोई वक्त निर्धारित नहीं होता है कुछ चीजों के लिए, मैं यही कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के काम करने के तरीके से ये हालात बन गए हिमाचल प्रदेश में कि चुने हुए प्रतिनिधि ने अपनी सदस्यता समाप्त करने के लिए अर्जी दे दी, हमें यहाँ से मुक्त किया जाए और हम इस तरह के हालात में नहीं रहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास, उनकी नीतियों पर विश्वास, उनको मजबूत करना आज की तारीख में हमारी आवश्यकता है, ये देश की आवश्यकता है। इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए उन लोगों ने कहा कि हम ये सर मैंने आपसे एक्चुअली इसलिए पूछा क्योंकि आप ही ने अभी कहा था कि भाई लोकसभा के साथ साथ हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो इसके लिए क्या कुछ चल रहा है, तैयारी चल रही है? अभी 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 जो ये चुनाव है, इन चुनावों में अगर ये चुनाव जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन आ रहा है उसके 7 तारीखें तय होती है, हालांकि 6 विधानसभा क्षेत्र के तो उपचुनाव तय हो गए हैं, अगर ये सारे चुनाव उसके साथ होते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम बदलेगा, सरकार बदलेगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस को डरने की बात नहीं है, कोई तोड़फोड़ की योजना तो नहीं है ना, जिस बात का कांग्रेस डर जाहिर करती है, कांग्रेस कहती है कि भाई ये लोग तोड़फोड़ करके सरकार बनाते हैं। अगर ये उपचुनाव जो है लोकसभा के चुनाव के साथ हो तो तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं, हम बहुमत हो जाए। अच्छा, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि सभी सीटों पे जीत जाएंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा सर, मुझे एक चीज और जाननी है कि मतलब ठीक है कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया, समझ में आता है, निर्दलियों को इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? वो तो कहीं भी जा सकते थे। उनको दबाव, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, FIR कर दी गई, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, वो तो निर्दलीय है, किसी भी पार्टी के साथ उनका संबंध इस वक्त नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो उनकी बाध्यता है कि वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करना चाहते आपको सपोर्ट, तो उनको कहा कि आपको परिणाम भुगतने होंगे। उनके परिवार के लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए, उनके बिजनेस व्यवसाय सारे बंद कर दिए, ताले लगा दिए। ऐसी सूरत में आखिरकार कांग्रेस के नेता क्या चाहते, क्या करना चाहते? डरा करके, धमका करके, जनप्रतिनिधियों को इस तरह से दबाव में डाल करके सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर हम हमारे परिवार के ऊपर, लेकिन लेकिन सर राहुल गांधी तो कहते हैं, राहुल गांधी जी तो ये कहते हैं तो हम ये कदम उठाने के लिए तैयार। अभी राहुल गांधी जी ने लंबी चौड़ी न्याय यात्रा निकाली, उसमें हर जगह उन्होंने कहा हम तो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, मोहब्बत के मॉल हम चलाते हैं, आप कह रहे हैं कि वो नफरत फैलाते हैं। देखिए हालात तो यह है कि अपने ही किसी साथी को जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ विधायक थे, उनको उनके घर तोड़ने का नोटिस चिपका दिया, कहीं के बिजनेस व्यवसाय बंद कर दिए और निर्दलीय विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए, और इस प्रकार से लगातार ये सिलसिला चला हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि अब लड़ाई है तो इस लड़ाई को लड़ेंगे, खुलेआम लड़ेंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले हम जो है इस जो है उस विधानसभा से हम त्यागपत्र देते हैं, हम चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए पहले काम करेंगे, उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। लेकिन सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि कोई सरकार, या आपका इशारा मुख्यमंत्री सुक्खू जी की तरफ है, तो कोई मुख्यमंत्री अपने साथी विधायकों या मंत्रियों के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्या क्या कोई डर है उनके विधायकों और मंत्रियों के बीच में सीएम सुक्खू का? देखिए कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने विधायकों की अहमियत को समझा नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि का महत्व समझा नहीं। अब जब सरकार गिरने की नौबत पे आ गई है, अब विधायकों को 20-20 सुरक्षा कर्मचारी दे रखे हैं, रात के 3-3 4-4 बार गाड़ियां भेज करके उनको उनकी निगरानी कर रहे हैं कि वो है ना, कि चले तो नहीं गए कहीं। तो इस बात की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी, अब उनको अहमियत का मालूम पड़ रहा है। तो इस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार हुआ है वो सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इतने कहना चाहता हूँ। सर कांग्रेस के कुछ और विधायक आपके संपर्क में हैं कांग्रेस के? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा विधायक सब मिलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, इस तरह की बात हमारी कोई। बस सर दो छोटे छोटे सवाल और हैं, एक आपका हिमाचल का ही और एक राष्ट्रीय परिपेक्ष में। एक सवाल यह है कि आपने अभी कहा था कि 3 मंत्री कांग्रेस के लगातार बागी विधायकों को फोन कर रहे हैं कि भाई वापस आ जाओ वापस आ जाओ, कौन है वो? देखिए मैंने मंत्री कहा है, आप ढूंढिए तलाशिए, नाम लेने की जरूरत पड़े के बाद में देंगे उनका नाम, लेकिन तीनों मंत्री संपर्क कर रहे हैं कि आप वापिस आइए और वापिस आकर के हम आपको मंत्री बना देंगे, आपको सम्मान देंगे। कहीं को कहा कि आपको चुनाव लड़ाना होगा दोबारा चुनाव लड़ा देंगे, आपको बहाल कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी चीजें
कह रहे हैं, एक करता है फिर उसके बाद दूसरा करता है, तीसरे करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये पार्टी की हाईकमान ने तय कर दिया है, ऐसा वो बताते हैं। अब हम तो उनकी बातों का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हालात ऐसे बने हैं हिमाचल प्रदेश में जिसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार है तो कांग्रेस के ही नेतृत्व की कमी है। सर एक एक आखिरी सवाल, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री पुलिस कस्टडी में रहने के बाद, जेल जाने के बाद भी इस बात पर अड़ा हुआ है, उनकी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि ना मैं इस्तीफा दूंगा और मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? आप भी मुख्यमंत्री रहे। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जन्म लेकर के हमारे सामने आई थी और भ्रष्टाचार को समाप्त करना एक सबसे बड़ा मुद्दा उनका था, और उस मुद्दे पर जाकर के आगे बढ़ते बढ़ते छोटी सी ही आयु में भ्रष्टाचार में ही डूब करके समाप्त हो गए। आज पूरा आम आदमी पार्टी का नेतृत्व जेल की सलाखों के पीछे है, और वो मुख्यमंत्री जो चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उस परिभाषा को अब लोग जो है वो बयां कर रहे हैं, क्या परिभाषा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, उन्हें नैतिकता के आधार पर तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए और अपना जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, कानूनी जो लड़ाई है, उसको वो जारी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इस बात पर तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। ये वही केजरीवाल हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जेल की सलाखों के पीछे। ठीक है, थैंक यू सर जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़े, वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच।